फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हेम पुष्पा को लेने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपको पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको प्रेगनेंसी में कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं, खुलकर नहीं आते हैं, या फिर काफ़ी हैवी ब्लीडिंग आपके पीरियड के दौरान होती है या फिर बिल्कुल कम होती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है अपनी बॉडी में, बहुत थकान महसूस होती है, तो इन केस में आपको हेम पुष्पा को कैसे पीना है और हेम पुष्पा और सच्ची सहेली दोनों में से कौन सी बेस्ट है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको हो सके। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करिए, जो भी सवाल करिए मैं आपको यहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को मुझे ये सवाल मिलते हैं कि हेम पुष्पा को लेने का सही तरीका क्या है, हमारी पीरियड प्रॉब्लम के लिए क्या हम हेम पुष्पा का यूज कर सकते हैं, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, शादी के काफ़ी साल हो गए, हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम हेम पुष्पा को यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हेम पुष्पा एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है जिसके पीने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। 15 साल से लेकर आप कितनी भी एज ग्रुप के हों, इसे यूज कर सकते हैं आराम से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लेने का सही तरीका भी बताऊंगी। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, इसको लेने का उनको लेने का तरीका नहीं पता होता है, गलत तरीके से लेते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फिर वो मैसेज करते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ या हमें इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो ऐसा नहीं होता। ये एक काफ़ी अच्छी सीरप है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आप इसको सही तरीके से लेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको पीरियड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके पीरियड में पेन होता है, पीरियड में दर्द होता है, पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं, पीरियड मिस हो जाते हैं, महीने दो महीने तक आपके पीरियड आते ही नहीं है, PCOS PCOD की प्रॉब्लम आपको है, तो इन सारे केस में आप हेम पुष्पा का सेवन करिए। मेरी माने तो सबसे नंबर वन पर मैं हेम पुष्पा को लेकर रखूँगी, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं, मुझे इतने लोगों ने कमेंट किए हैं जब भी मैंने हेम पुष्पा की वीडियोस बनाई है, इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से, उनको पीने का सही तरीका पता है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो इसके बारे में जान लेनी चाहिए। पीरियड प्रॉब्लम के लिए आपको हेम पुष्पा को कैसे पीना है, देखिए पीरियड में दर्द होता है, पीरियड में मिस हो जाते हैं, पीरियड में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो आपको यहाँ पर 1 ml आपको ये सिरप एक गिलास पानी के अंदर मिलानी है और इसको रात में सोने से पहले पीना है, एक आपको सुबह सुबह खाना खाने के बाद पीना है, खाना खाने के बाद आपको नाइट में लेना है। ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद ही लेना है आपको ये सिरप। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि पीना कब है इसको, खाने से पहले या खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद ही आप इसको पियेंगे। इसके साथ टेबलेट भी आती है, जैसे यहाँ आप एक गिलास इसको पी लेंगे उसके 10 मिनट बाद आपको ये टेबलेट एक खा लेनी है। टेबलेट भी आपको एक दिन में 2 खानी है, सुबह और शाम को, जैसे आप 2 टाइम इसको पियेंगे तो टेबलेट भी आपको वैसे ही लेनी है। तो ये सिरप पीने से आपका जो भी प्रॉब्लम है पीरियड से रिलेटेड, थकान महसूस, कमजोरी, चक्कर आना, BP लो होना, गर्ल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको इसको महीने दो महीने तक पी के देखना होगा, ऐसा नहीं है कि 15 दिन पिया और हमें रिजल्ट ही नहीं मिला, ऐसा नहीं होता फ्रेंड, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। महीने दो महीने आप इसको पी कर देखे, काफ़ी हद से 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के लिए इसको कैसे लें। देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी में कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसको बनाने के लिए जिन जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रेगनेंसी में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है। काफ़ी अच्छी आयुर्वेदिक औषधियाँ इसको मिलाकर बनाने में यूज की गई है, तो आपकी प्रेगनेंसी में जो बाहरपन है, जो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। उसको भी आपको उसको पीने का सही तरीका यही है, आपको खाना खाने के बाद एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 10 ml आपको इसको मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसको पी लेना है। जब आप इसको ऐसे पीते हैं कम से कम 2 मंथ के लिए, तो आप जल्द से जल्द कंसीव कर पाएंगे। ये 100% इफेक्टिव ये है सिरप है, बिल्कुल भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आप इसको सही तरीके से पीजिए, खाना खाने के बाद पीना है, इसके साथ जो टेबलेट आती है 2, उसको सुबह और शाम खाना है आपको। तो इस टाइप से आप इस कोर्स को चलाइए 2 महीने के लिए और इसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम बात करते हैं सच्ची सहेली की। सच्ची सहेली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
अगर आप सच्ची सहेली को भी पीना चाहते हैं तो उसके भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है, तो आप दोनों में से कोई से भी सिरप ले सकते हैं, दोनों के दोनों सिरप बेस्ट है। सच्ची सहेली को बनाने के लिए भी आयुर्वेदिक औषधियों का ही यूज किया गया, ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमें हेम पुष्पा से एलर्जी होती है, हेम पुष्पा से हमें वोमिटिंग जैसा मन होता है, तो आप हेम पुष्पा को छोड़कर सच्ची सहेली आप ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम सेम चीज़ों पर काम करेगी। कंसीव करने में ये भी बहुत हेल्प करती है, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो दोनों ही सिरप नंबर वन पे चलती है। काफ़ी पुरानी ब्रांड है, काफ़ी जानी मानी सिरप्स है ये, काफ़ी लोग इसको यूज कर चुके हैं, तो आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे दोनों यूज करिए, और बहुत ही अच्छी सिरप्स है दोनों गर्ल्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो पीरियड की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, PCOS PCOD जिनके पीरियड मिस हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो कंसीव नहीं कर पाती है उनके लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।